गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड? एंजॉयिंग द लॉकडाउन? गुड मॉर्निंग नेहा। नेहा को देख के एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव फीलिंग आती है, मुझे पता नहीं हमेशा। चलो ग्रेट। चालू करें लेक्चर। गुड मॉर्निंग वैष्णवी। अच्छा यू नो मेरी बेस्ट फ्रेंड एक ही है और उसका नाम वैष्णवी है। चल गुड मॉर्निंग बेटा। चल स्टार्ट करते लेक्चर। ठीक है, कल थोड़ा सा रहेगा, कल तो टेस्टी थी हमारी। काफी अच्छे आंसर्स लिखे हैं लोगों ने, पता है मुझे कैसे लिखे हैं। तो किसी ने बुक से कॉपी करके लिखे, किसी ने गूगल से। ऐसी हरकतें मत करो। चल स्टार्ट करते लेक्चर को। तो हम देख रहे थे कि एक्चुअली में हम क्या देख रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे ना, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें हम सबसे पहली टेक्निक देखे थे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें हम देख रहे थे कि हम हाइब्रिडाइज क्यों कर रहे थे। हाइब्रिडाइज यानी क्या कर रहे थे, हम एक प्लांट को दूसरे प्लांट के जीन्स के साथ मिक्स करके हम एक हमारे जैसा डिजायर्ड प्लांट है वैसा हम बना रहे थे। ठीक है, तो अब हम बेसिकली ये सब क्यों करते हैं? ठीक है, अब हमने बोला ऐसे बहुत सारी बातें करी उस दिन, लेकिन बेसिकली हम क्यों करते हैं कि देखो अब क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें डिसीजेज होते हैं, जैसे ह्यूमंस में डिसीजेज होते हैं वैसे प्लांट्स में भी डिसीजेज होते हैं, आपने देखे भी है। ठीक है, अब द थिंग इज कि बेटा दिस पोर्शन इज लर्निंग पोर्शन। ओके, अब यही मैं एक्सप्लेन, ये एक्चुअल में एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत वास्ट सिलेबस है, बट अभी फिलहाल के लिए आपको ये थोड़ा सा मेमोराइज ही करना पड़ेगा। चलो, फंगी के वजह से क्या होता है बेटा, फंगी के वजह से क्या होता है, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, है ना। ब्राउन रस्ट ऑफ वीट इन द सेंस, जब आप लाइक वीट में आपको देखने मिलेगा ये थोड़ा सा रस्टी वाला, उसके लीव्स होते हैं। ठीक है, उसके लीव्स थोड़े से रेडिश हो जाते हैं, वैसे ही रेड रॉट ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन पे भी आपको ऐसे रेड रेडिश आपको कुछ लेशंस दिखने मिलेंगे, जैसे हाँ बस देखने मिलेंगे। ठीक है, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी पोटैटो के लीफ पे या पोटैटो पे ऐसे ब्लैक कलर का कुछ रस्टी पोर्शन देखने मिलेगा। तो दिस इज की ये किसके वजह से हो रहा है, ये फंजाई के वजह से हो रहा है। तो ये फंजाई है ऐसे कुछ डिसीजेस कॉज करते हैं, ये बस थोड़े से ही है, और भी डिसीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ की हम जनरल वे में बात करें, ठीक है, आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा सुपरफिशियली बात करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मिस इंटरप्रीट कर रहे हो तो प्लीज। चलो उसके बाद बैक्टीरिया के वजह से क्या कॉज होएगा, रेड ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। अच्छा आपको वीट पता है, शुगर केन पोटैटो तो पता है ना, क्रूसीफर्स यानी हमारे कैबेज कॉलीफ्लावर, ये सारे हमारे क्रूसीफर होते हैं। क्रूसीफर में एक और आता है, दैट इज हमारा मस्टर्ड, है ना, मस्टर्ड यानी राई, ये सारे क्रूसीफर के मेंबर्स होते हैं। वायरस में टोबैको मोजियाक वायरस करके आपने बहुत सुना होगा ये। ठीक है, तो ये है, ये क्या करवाता है बेटा, ये सारी ये जो है ये तो पैथोजन है ना। पैथोजन हमने पढ़े थे क्या थे, ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स जो डिसीज कॉज कर रहे थे, और कहाँ कॉज कर रहे थे, तो प्लांट डिसीज में, कौन से, ब्राउन रस्ट, रेड रॉट, लेट ब्लाइट, ब्लैक रॉट, टोबैको मोजैक, है ना, ये सारे हमारे डिसीजेज है। तो बेसिकली हुआ क्या कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीजेस रेजिस्टेंट इज टू डेवलप इनहेरेंट क्वालिटी इन द प्लांट टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग द डिसीज। मीन्स क्या हो जाएगा कि देखो हमारा बेसिकली ये जो हमें प्लांट ब्रीडिंग कर रहे थे हम, तो वो एक एक और चीज होती है कि हम डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए ब्रीडिंग करते हैं। बाप रे, खुशी आप मेरी क्लास में। ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाता है कि डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बनाते हैं, यानी कि वही सेम टेक्निक हाइब्रिडाइजेशन के वजह से होता है ना, दो प्लांट्स के हम लोग मेट करके उन्हें एक हाइब्रिड बनाते हैं। सो क्यों बनाते हैं? डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, ताकि जो हमारे ये जो डिजीजेस है ये हमारे प्लांट को नहीं होंगे। खुशी की सिस्टम खुशी कहाँ है अपने बहन को तुम लोग बहुत ऐसे ऐसा मत किया करो चलो, सच वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट। ऐसे वेराइटीज, ऐसा हाइब्रिड प्लांट जो हमने ऑलरेडी बना दिया है, जो एक पर्टिकुलर डिसीज इसको हो रहा था, सपोज अगर हम बात करते हैं टोबैको की, वाह जी वाह, सो रही है पानी डाल के जगाओ उसे अब तो क्या करूं मैं इन लोगों का आप कौन से क्लास में हो खुशी की सिस्टर तो डांट पड़वाओगे अपने बहन को फर्स्ट ईयर में, ओके ओके फर्स्ट ईयर बीएससी एमएससी व्हाट, अच्छा बीएससी, ग्रेट ओके ओके ठीक है, चलो चलो चैट मत करो ज्यादा, मैं क्लास लेने दो मुझे, ठीक है भाई साहब ओके चलो, तो हमने क्या क्या देखे कि हमने डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाया थ्रू ब्रीडिंग, है ना, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। क्यों हमें जरूरत थी? इसीलिए क्योंकि कैसा हो जाता है कि जब डिसीजेस होते हैं प्लांट में, तो डिसीजेस होते हैं प्लांट में तो क्या होता है, उनकी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी यील्ड जो होती है हमारे जरूरत के हिसाब से कम हो जाती है, इसलिए हम डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं। तो कुछ प्लांट हमने बनाया है डिसीज रेजिस्टेंट के। चलो, तो वीट में एक वेराइटी है, वीट की वेराइटी है, दैट इज हीमगिरी। ठीक है, जो पहला वीट था के जो पहले वीट था वो क्या डिजीज बना रहा था, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। अच्छा, ये भी प्लीज लर्न करो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्या है, होता है क्या होता है, तो गूगल करो इसे, आपको नहीं क्या बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे, बट ऑलमोस्ट सेम सेम ही रहते, तो उतना डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाते, इनफैक्ट मैं भी नहीं कर पाती, बट चलो ठीक है आप देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, हीमगिरी बनाए थे, हीमगिरी एक वेराइटी बनाए थे जो कि लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हील बंट, ये दो दो जो डिसीज है इसको रेजिस्ट कर रही थी। ठीक है, वैसे ही ब्रासिका हमारा मस्टर्ड के देखेंगे हम, तो हमने बनाया पूसा स्वर्णिम। ठीक है, वो वाइट रस्ट, उस पे डिसीज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे उनमें हमने जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है, उसके बाद कॉलीफ्लावर में पूसा शुभ्रा करके है, जो कि ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट, ये आपके इसमें है टेक्स्ट बुक में, निकाल लिया आप अपना 12th का बुक स्टेट का। ठीक है, चिली में पूसा सदाबहार करके एक दिया हुआ है, दैट इज चिली मोजैक वायरस एंड टोबैको मोजैक वायरस और लीफ कर्ल, ये डिजीज को रेजिस्ट करता है, डिजीज रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है ना आपको, इज लर्निंग पोर्शन ओनली अगेन। सो हमने देखे थे कि हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग में दो टाइप थे, एक फर्स्ट हमने देखा था दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सेकेंड हम क्या देखेंगे, दैट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब बेटा म्यूटेशन हमने नहीं पढ़े हैं, म्यूटेशन हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे 12th के चैप्टर में, शायद 3rd या 4th चैप्टर है कुछ, इनहेरिटेंस वाला चैप्टर जो है ना, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम, व्हाट इज म्यूटेशन, कैसे होता है, क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको एक मूवी याद होगी, दैट इज टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, किसी को याद है हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं ना, याद है किसी को, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल करके मूवी आई थी, है ना, उसके बहुत सारे पार्ट्स भी है, इनफैक्ट यूट्यूब एक्शन पे भी आती है वो शायद से, देखे हो, जिसमें टर्टल्स रहते हैं जो ह्यूमंस जैसे करते हैं। हाँ, यस यस यस, है देखने वाले हैं। तो उसमें आपने देखा था ना कि टर्टल्स तो बात थोड़ी करते, टर्टल्स मूव थोड़ी करते, लेकिन वो वहां पे हमारे निंजा थे, है ना, तो वो क्या था, वहां पे म्यूटेशन हुआ था, आपने देखा होगा, आपको स्टार्टिंग में दिखाएंगे वो लैब में उनपे म्यूटेशन कॉज करवाते हैं जब वो छोटे होते हैं, है ना, टर्टल्स, फिर वो बड़े होके कुछ और ही बन जाते हैं। सो दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है बेटा, कि हम क्या करते हैं, जीन्स के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर देते हैं। ठीक है, अब फिलहाल के लिए ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से आप फिलहाल इतना ही याद रखिए, ये जो टॉपिक है ये हम कहाँ पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हम जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
सो दैट इज म्यूटेशन इज सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप, है ना, जीन्स में सडन चेंज करते हैं जो कि नेचुरली भी हो सकता है या फिर हम कॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉज किससे करेंगे, ठीक है, नेचुरली हो रहा है, नेचुरली कैसे होता है, जैसे सन के रेज की वजह से हो सकता है कि कुछ म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन यानी कि सपोज अगर एक प्लांट था, प्लांट में जनरली ऐसा होता है कि सपोज एक प्लांट था कि वो इतनी ही हाइट तक के ग्रो कर रहा था, लेकिन म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाता है, एक तो वो लंबा हो जाएगा या फिर छोटा, हमें पता नहीं होता है, ठीक है, कि क्या क्या होने वाला है इसके साथ, ठीक है, हमें पता नहीं रहता है जनरली। बट अगर सपोज म्यूटेशन हो गया तो एक तो उसकी हाइट बढ़ जाएंगी या फिर वो और छोटा हो जाएगा, ऐसे काइंड ऑफ चीजें होती है, ठीक है। और क्या होता है बेटा कि कुछ चीजें होती है लाइक केमिकल्स या फिर हमारे, चलो नेचुरल में होते हैं दैट इज फिजिकल म्यूटाजेंस, और एक क्या होता है केमिकल, ठीक है। हमने कहा था कि सडन चेंज इन जीनोटाइप यानी कि जीन्स में, जीनोटाइप आपको पता है ना, जीन जेनेटिकल, ठीक है, जेनेटिकल। और ये जो हाइट इंक्रीज वगैरह में बताया दैट इज फिनोटाइप, है ना, इनके फिजिकल अपियरेंस की बात कर रहे थे। तो जीन्स में उनके चेंज आ जाना सडन दैट इज म्यूटेशन, ठीक है, दैट इज म्यूटेशन। अब ये नेचुरली भी हो सकता है या फिर इंड्यूस्ड भी हो सकता है, ठीक है। इंड्यूस्ड का मतलब क्या, हम करवा सकते हैं खुद से, ठीक है, हम खुद से करवा सकते हैं, ठीक है, खुद से कैसे करवा सकते हैं, थ्रू केमिकल्स, है ना। तो क्या हो जाता है कि ऐसे ऐसे एजेंट्स जो कि अच्छा सर, यहाँ पे एजेंट्स जो कि म्यूटेशन कॉज करवा रहे हैं, हम उसे बोलेंगे म्यूटाजन, है ना। हम वर्ड को ब्रेक करना सीखेंगे, हमारे बायो में जनरली क्या होता है, वर्ड ब्रेक करके हमें पता चल जाता है इसका मीनिंग क्या है। म्यूटाजेंस, है ना, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज म्यूटाजन। तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम क्या करेंगे, इट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल म्यूटाजेंस, है ना। अब देखते हैं कौन से केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो नेचुरल तो है हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सरे या फिर यूवी रेज, है ना, इनके वजह से नेचुरली आ सकता है किसी किसी प्लांट में म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है विजिबल हो सकता है पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वी डोंट नो दैट, ठीक है। उसके बाद होते हैं केमिकल म्यूटाजन, जैसे कि नाइट्रस एसिड, ईएमएस, है ना, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, भी भगवान इतनी सारी केमिस्ट्री बायो में, ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड गैस और ऑलकाइन, ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे, ठीक है। हो सकता है 2 मार्क्स के लिए स्टेट में पूछा जाए कि कौन से केमिकल म्यूटाजन है और कौन से नेचुरल म्यूटाजन है, बस एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं, 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। म्यूटेशन हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे। सो क्या हो जाता है कि सी प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग अ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, ये कुछ कुछ होते हैं प्लांट्स जिसमें इंसेक्ट्स भी तो अटैक करते हैं, है ना, इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, आपको पता होगा प्लांट में। तो क्या हो जाता है कि हम क्या करते हैं प्लांट्स में म्यूटेशन के थ्रू या फिर किसी भी हमारे ब्रीडिंग के थ्रू, म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं उनमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल है डेवलपमेंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक हेयरी लीव्स इन कॉटन एंड वीट। कॉटन और वीट में हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल यानी जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसे कैरेक्टर्स लाए थे कि उनके लीव्स को हमने कि उनकी लीव्स जो थी वो हेयरी हो गई थी, वो क्या कर रहे थे, वो उन्हें कौन से वेक्टर से रेजिस्ट करवा रहे थे, दैट इज जैसिड्स एंड सीरियल लीव बेटल। ये कौन से, ये क्या है, ये एक्चुअल में समथिंग इंसेक्ट्स है, ठीक है, फिलहाल ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंसेक्ट्स करके याद रखिए, ठीक है। जैसिड्स और बीटल, लीफ बीटल से वो क्या कर रहे थे, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमने ब्रीडिंग के थ्रू क्या करवाए थे, हमने उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस लाए थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सॉलिड स्टेम इन वीट, है ना, वीट में भी एक हमने ऐसा ब्रीड लाया है कि दैट इज उसकी स्टेम जो है वो काफी सॉलिड रहेगी, इसके वजह से क्या हो जाएगा, स्टेम बोरर्स यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स, अच्छा बोरर्स यानी क्या होते हैं, बोरर्स यानी जैसे आप दीवार में ये करते हैं ना, हम ड्रिल करते हैं, है ना, ड्रिल करते हैं, होल करते हैं, तो वो जो होल करने वाला जो रहता है हमारा ड्रिल जो होता है उसे हम बोरर बोलते हैं ना। तो बोरर का मतलब क्या है कि होल करना, तो स्टेम बोरर यानी स्टेम में होल क्रिएट करने वाले इंसेक्ट्स, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे स्टेम बोरर। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक वीट की वेराइटी बनाई थी जिसकी स्टेम काफी सॉलिड थी देन रेगुलर वीट, ठीक है। तो दिस आर सम एग्जाम्पल्स ओनली, एक और एक स्लाइड है जिसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हमारे, लाइक सी ब्रासिका, है ना,
ब्रासिका यानी हमारा लाइक मस्टर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, मस्टर्ड यानी कि राई हमारा, ठीक है। तो इसमें हमने एक वैरायटी बनाया दैट इज पूसा गौरव। अब गौरव यहाँ पे है नहीं आज के क्लास में, चलो वो जब भी देख लेगा उसे याद आ जाएगी हमने उसे मिस किया करके। चलो तो पूसा गौरव, उसने पूसा गौरव करके वैरायटी हमने बनाई थी मस्टर्ड की, जो कि एफिड्स को रेजिस्ट कर रहा था, है ना, इंसेक्ट पेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फ्लैट बिन मैंने देखा तो दैट इज की समथिंग काइंड ऑफ हमारे वाला चशेंगा, है ना, और अलग अलग भी थे वहां पे, सेम जिसे बोलते हैं, पता नहीं मुझे सेम क्या होता है, बट अभी ठीक है, सेम जिसे बोला गया था, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्लैट बिन्स में हमने दो वेराइटीज बनाई थी, दैट इज पूसा सेम 3 एंड पूसा सेम 2। ओके, मैंने पहले उल्टा बोल दिया, ठीक है, 2 एंड 3 करके हमने दो वेराइटी बनाई थी, जो कि जैसिड्स, एफिड एंड फूड बोरर करके हमारे इंसेक्ट्स, काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स ही है सारे के सारे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इनसे रेजिस्ट करेंगे, फूड बोरर यानी उनके फूड में जो होल्स आ जाते थे ना, उनको खा जाने वाले कीड़े थे, उनसे उनसे उनको क्या मिलेगा, छुटकारा मिल जाएगा ये वेराइटीज में, वो लोग नहीं खा पाएंगे। अगेन ओकरा, ओकरा आपको पता होगा दैट इज अवर भिंडी, है ना, ओकरा क्या होती है, हमारी भिंडी। उसमें हमने देखे कि पूसा सवानी करके और पूसा A4 करके हमने दो वेराइटीज बनाई, जिसमें शूट और फूड बोरर से हमको छुटकारा मिल गया था, ठीक है। ऐसे हमारे कुछ वेराइटीज है, आते हैं टिश्यू कल्चर पे, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में इधर उधर टॉपिक्स हो सकते हैं हमारे, स्टेट में बराबर शायद लाइन वाइज हम चल रहे हैं, बट एनसीईआरटी वाले थोड़ा सा एडजस्ट करें इस बार, है वही चीजें, ठीक है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नाउ बेसिकली टिश्यू कल्चर, अच्छा बहुत सारी थियोरी दी हुई है, मैं आपको सीधे सीधे थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें बताती हूँ, थियोरी इज अप टू यू, ओके। सो व्हाट हैपेंस बेटा, कि टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, एक मदर प्लांट लिया है हमने, ठीक है, मदर प्लांट यानी ऐसा प्लांट जहाँ से हमें टिश्यू लेना है या फिर जिसका हमें क्लोन्स बनाने हैं, जिसके हमें क्या बनाने हैं, जिसके हमारे क्या बनाने के और ज्यादा रिप्रोड्यूस करना, मल्टीपल प्लांट्स बनाने हैं हमें, ठीक है। तो हमें इसका, इसके ही, इसी के, जैसे सपोज कर लो कि ये ऐसा प्लांट है जो कहीं नहीं मिलता, ठीक है, ऐसा प्लांट है, एक ही प्लांट है हमारे पास, वो कहीं नहीं मिल रहा है। अब ये भी ऐसे ऐसा है कि पता नहीं अब ये कितने दिन रहेगा, नहीं रहेगा, तो हमें इसकी और वेराइटीज चाहिए, ठीक है। अब इमेजिन, जस्ट इतना ही इमेजिन करो, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मदर प्लांट बोलेंगे, ठीक है। अब हमको पता नहीं इसे कैसे हमें बचा के रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक टिश्यू लेंगे, ठीक है। अब हर प्लांट में पेड़ जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हर प्लांट का ही हो करके, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या क्या करेंगे, हम टिश्यू लेंगे। अब हो सकता है लीफ से ले या फिर स्टेम से ले, कहीं से भी एक टिश्यू लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, एक टिश्यू लेंगे, ठीक है। उस टिश्यू को हम क्या करेंगे बेटा, उसे हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में इन्होंने डाल के रखा, एक मीडियम होता है, ठीक है, एक मीडियम होता है, इसे बोलते हैं हम MS मीडियम, उसमें जनरली ग्रो करते हैं, ठीक है। चलो अभी उतना आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो द थिंग इज की एक टिश्यू लेंगे, ठीक है, इसका एक टिश्यू लेंगे, उसके उसको हम लोग लैबोरेटरी कंडीशन में, इन द सेंस क्या करेंगे, हम उसे एक पर्टिकुलर, उसे जैसा टेम्परेचर चाहिए, जैसा लाइट चाहिए, जैसा पानी चाहिए, उसको हर एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अच्छा ये जो टिश्यू है, ठीक है, इस टिश्यू को हमने क्या नाम दिया, एक्सप्लांट करके नाम दिया, ठीक है। वर्ड्स आपको इसमें थोड़े से याद करने हैं, दैट इज एक्सप्लांट यानी कि ऐसा टिश्यू जिसके वजह से हम कल्टिवेट करने वाले हैं आगे का पूरा न्यू प्लांट, ठीक है, उसे हमने क्या बोला, एक्सप्लांट बोला, ठीक है। जब ये छोटा सा टिश्यू था, ठीक है, अब ये छोटा सा टिश्यू था, इसको हमने न्यूट्रिएंट्स दिए लैब कंडीशन में, हमने इसे अच्छे से संभाल के रखा है ना, जिस बच्चों को संभालते हैं काफी केयर करनी पड़ती है जब वो न्यू रहते हैं, तो हमने उसे अच्छा, जिसका उसको जैसा चाहिए वैसा कंडीशन में हमने उसके फेवरेबल कंडीशन में रखे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ग्रो करना स्टार्ट करता है, ये क्या करेगा, ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ग्रो करके एक थोड़ा सा अनडिफरेंशिएटेड मास बनाता है, इसे हम बोलेंगे कैलस, है ना। एक्सप्लांट ही आगे चल के ग्रो करके क्या बना, कैलस बना। वहीं आगे चल के क्या फॉर्म करेगा, ऑर्गन, ऑर्गन यानी कि रूट और शूट फॉर्म करेगा, है ना। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, ऑर्गेनोजेनेसिस, है ना, ऑर्गन का जनरेशन, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इससे हमें क्या मिले, छोटे छोटे प्लांटलेट्स मिले, और छोटे छोटे प्लांटलेट्स को हमने क्या किया, मिट्टी में लगा दिया, है ना, मिट्टी में हमने लगा दिया, दैट इज उसको हमने बोला हार्डनिंग, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आई आपको,
ठीक है, इतना इजी नहीं होता, इसे बहुत बहुत केयरफुली करना पड़ता है, बट अभी आप जिस 12th के हिसाब से इतना सफिशियंट है, ठीक है। सो व्हाट वी डिड कि हमने क्या किया, एक प्लांट लिए जिसके हमें और ज्यादा मल्टीपल कॉपीज चाहिए थे। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब लैब के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है, लैब के अंदर हो रहा है, बाहर कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने प्लांट लिए, प्लांट का टिश्यू लिए एक, उसे हमने नाम दे दिया दैट इज एक्स प्लांट। एक्स प्लांट आगे चल के ग्रो करके थोड़ा सा अनडिफ्रेंशिएटेड मास यानी कि कैलस बन जाएगा। कैलस बनने के बाद उसके क्या हो जाएंगे, ऑर्गन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी रूट्स और शूट आना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद हमने वही रूट और शूट लेके क्या किए, हमने उसे ग्रो कर दिए मिट्टी में, दैट इज हार्डनिंग। ठीक है, इतना क्लियर है, दैट इज हाउ यू कल्चर फ्रॉम टिश्यू। ठीक है, थियोरी आता है, थियोरी भी आता है हमारे, इट इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, है ना, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आते हैं, अभी हमने तो ओवरऑल पढ़ा है, ठीक है। सो जनरली क्या होता है यहाँ पे, हियर आइसोलेटेड सेल टिश्यू ऑर्गन आर ग्रोन इन विट्रो, कहाँ ग्रो करते हैं, इन विट्रो यानी कि हम इनसाइड द टेस्ट ट्यूब जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इन विट्रो हम क्या ग्रो करेंगे, टिश्यू के थ्रू या फिर किसी ऑर्गन के थ्रू या फिर किसी आइसोलेटेड सेल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे इन विट्रो यानी हमारे लैब कंडीशन में उसे ग्रो करेंगे, ठीक है। ऑन सॉलिड या फिर लिक्विड मीडियम होता है, कभी कभी सॉलिड या कभी कभी लिक्विड मीडियम लेते हैं हम, दैट इज उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे प्लांट को ग्रो करने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अंडर असेप्टिक कंडीशन यानी वहाँ कोई बैक्टीरिया वगैरह हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ लाइट ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर फॉर अचीविंग एंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जैसे अगर सपोज एक प्लांट को जितना पर्टिकुलर लाइट ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए, हम उतनी सारी चीजें उसे वही लैब में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद द प्लांट पार्ट ऑफ टिश्यू, प्लांट पार्ट यूज इन द टिश्यू कल्चर इज नोन एज एक्स प्लांट, है ना। अभी मैंने बताया कि वो जो प्लांट का जो पार्ट था, वो पर्टिकुलर टिश्यू जो था वो क्या था, उसे हमने क्या बोला, एक्स प्लांट बोले, ठीक। उसके बाद क्या पढ़े हमने कि प्लांट टिश्यू कल्चर, वो मीडियम जो था उस मीडियम को हमने बोला था एमएस मीडियम, ये दो साइंटिस्ट के ऊपर है, दैट इज मुर्शिगे एंड स्कूग करके, ठीक है। इन दोनों के नाम के ऊपर हमने ये एमएस मीडियम करके हमारी मीडियम होती है जहाँ पे हम ग्रो करते हैं, ठीक है। ये फॉर नाम के लिए फॉर्मली याद रखिए बस, ठीक है, हो सकता है आपके स्टेट के लिए एक पॉइंट बन जाए, ठीक है। सो उसमें क्या कहता है, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, है ना, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन फैट एंड वाटर, ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये हम हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे, ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, अगार, अगार जिसे हम कैलस कल्चर के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज अगार जेल होता है, ठीक है, जो कैलस बनाने के लिए हम यूज करते हैं उसे अगार जेल, जेल के ऊपर रखा जाता है उसे जनरली। सो द थिंग इज कि जितने हमें न्यूट्रिशन चाहिए उस प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो हम सारा मीडियम वही प्लांट टिश्यू कल्चर में डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज है कि दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन। नाउ इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्लोनल प्रोपोगेशन। अब एनसीईआरटी पे आते हैं थोड़ा सा हम कि नाउ सी व्हाट हैपेंस, कि अभी देखो क्या हो जाता है, ये जो है टिश्यू कल्चर के अंदर ये एक टेक्निक होती है, ठीक है। टिश्यू कल्चर एक बहुत वाइड वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर एक माइक्रो प्रोपोगेशन करके टेक्निक होती है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल माइक्रो यानी छोटा, प्रोपोगेशन यानी प्रोपोगेट करवाना, यानी हमारे जो टिश्यूज या फिर हमारे प्लांट के जो यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे दिख रहा है आपको छोटे 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 पार्ट्स लिए इन्होंने प्लांट के ना, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स से लेके ये एंटायर प्लांट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अभी सपोज हमने बोला कि ये एक रेयर वाला प्लांट है जो कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमने इसके क्या किए, छोटे छोटे टिश्यूज के पार्ट निकाले, ठीक है, इसे हमने लैब कंडीशन में क्या किया, टिश्यू कल्चर करवाया, है ना, टिश्यू कल्चर करवाया हमने, इसे लैब कंडीशन में बढ़ाया, है ना, और बढ़ाया और हमने क्या किए, उसे बहुत सारे प्लांटलेट्स बनाए, समझ लो कि एक प्लांट से हमने, एक बार रिपीट करूं बेटा, क्या ये माइक्रो प्रोपोगेशन, ओके, सी माइक्रो प्रोपोगेशन यानी क्या होगा, माइक्रो इन द सेंस छोटा, प्रोपोगेशन यानी कि प्रोपोगेट करवाना, यानी कि बनाना, प्रोड्यूस करवाना, है ना, कि हमने देखे ना प्रोपोगेशन यानी क्या था, एक प्लांट्स के अंदर से दूसरा प्लांट बन रहा है, दैट इज प्रोपोगेशन, ठीक है। सो माइक्रो प्रोपोगेशन यानी कि छोटी छोटी चीजों से, लाइक सी नाउ हियर हमने क्या करे है कि
हमने क्या करी है, प्लांट के छोटे टुकड़े लिए हैं, बहुत सारे लिए हैं, क्योंकि ये प्लांट हमारे पास सपोज कर लो कि है ही नहीं, एक ही बचा है या फिर इसका एक पत्ता ही बच गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके जितने भी टिश्यूज हमसे निकल रहे हैं हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब कर लिए तो क्या किया, फिर हमने उसके लैब कंडीशन में थ्रू टिश्यू कल्चर हमने क्या करे, उसके बहुत सारे प्लांटलेट्स बनाए। सो अब हमारे पास एक ही प्लांट था, उसके हमने क्या किए, 100 of plants बनाए, कहाँ, लैब के अंदर। सो दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज कमर्शियल मेथड ऑफ रीजनरेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये मेथड यूज की जाती है प्लांट के रीजनरेशन के लिए, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनल प्रपोगेशन भी बोलते हैं। तो ये क्लोनल प्रपोगेशन यानी क्या हो जाएगा, सेम क्लोन ही है ना। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ हम क्या, हम ये नहीं कर रहे ना, फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स नहीं है, है ना, आर्टिफिशियली हम ये सब कर रहे हैं। तो चीज क्या हो जाएंगे, जैसे ही जिस प्लांट का टिश्यू हम ले रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही दूसरा प्लांटलेट बनेगा, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे, इसीलिए हम उसे क्लोनल प्रपोगेशन बोल रहे हैं। क्लोन, क्लोन वर्ड सुना होगा, है ना आपने, तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, क्लोनल प्रपोगेशन बोलेंगे, ठीक। और ये जो प्लांट्स है, ये जो प्लांटलेट्स है, इसे हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में देखने मिलेगा आपको, सोमा क्लोन्स करके। ये सोमा क्लोन यानी क्या हो जाएगा कि सोमा इन द सेंस सोमैटिक सेल्स, है ना, अदर दान हमारे सोमैटिक सेल्स कैसे होते हैं, अदर दान हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स उसको छोड़ के, यानी हमारे बाकी का पार्ट, प्लांट का पार्ट, उसके 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 थ्रू हमें मिले हुए क्लोन्स है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज ए सोमा क्लोन, ठीक। ये दो तीन वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे आपके बुक में, जो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत, तो बाकी थियोरी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, एज अ स्टोरी समझ में आ जाएंगी, ये ईजी है, ठीक है। नाउ चलो ठीक है, ये इतना छोड़ो। अब हम क्यों बनाते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस अगर हम देखना चाहें तो दैट इज इट हेल्प्स इन रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट जो है वो काफी रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स आर ऑब्टेंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ शॉर्ट पीरियड एंड फ्रॉम स्मॉल स्पेस, है ना, बहुत सारे प्लांटलेट्स हमें मिल जाएंगे बहुत कम टाइम पीरियड में, क्योंकि एक साथ ही हम लगा रहे हैं ना, वन से अगर हम 100 बना रहे हैं तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, तो दैट इज शॉर्ट पीरियड में हमें बहुत सारे प्लांटलेट्स मिल जाएंगे। अगेन, प्लांट्स आर ऑब्टेंड थ्रू आउट द ईयर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इंडिपेंडेंट ऑफ द सीजन्स, है ना, कि हमें सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, हम ये सब कहाँ कर रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं लैब के अंदर, तो हमारे पास ऑलरेडी हम उसको सारी एनवायरमेंटल कंडीशन उनकी वहीं फुलफिल कर रहे हैं, तो हमें बाहर कैसा वेदर चल रहा है इसके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर सपोज आप कर लो कि हाँ ये एक प्लांट है, अब आपको परफेक्ट मिल चुका है, आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए है ना, गुड मॉर्निंग हिमांशु, कोई भी चेंजेस आपको नहीं चाहिए है, तो आप क्या करोगे, यानी आप क्या करोगे, इसे क्लोन सी बनाओगे, है ना। क्योंकि देखो, अगर आपने, अगर यहाँ पे फ्लावर आ रहा है, यहाँ पे मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग है, क्रॉस उनमें क्रॉस अगर होएगा तो थोड़े बहुत तो कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डायरेक्टली सिमिलर प्लांट्स बनाने के लिए हम ये यूज करते हैं क्लोन्स, है ना, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट दैट इज क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस मेथड, है ना। तो क्या हो जाएगा, टू कीप कांस्टेंट, है ना, द सुपीरियर वैरायटी, सुपीरियर वैरायटी यानी क्या हो जाएंगी बेटा, कि सपोज अगर आपके पास एक वीट है, आपको ये परफेक्ट है आपके लिए, ये परफेक्ट ग्रेन्स आपको बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, तो दैट इज सुपीरियर वैरायटी, है ना, आपको चेंजेस नहीं चाहिए, तो आप उसको और क्रॉस कर करके करके अलग क्रॉस करके आप क्यों उसके चेंजेस लाएंगे, है ना, इसलिए वो कांस्टेंट रखने के लिए फॉर मेनी जनरेशन हम क्या यूज करेंगे, हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। द रेयर प्लांट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज आर मल्टीप्लाइड बाय दिस मेथड एंड सच प्लांट्स आर सेफ, यानी जो रेयर प्लांट्स होते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था कि रेयर प्लांट्स जो होते हैं कि हमारे पास अभी एक या दो ही प्लांट बचे हैं, तो उसे हम कैसे बचाएंगे, थ्रू माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक, क्लियर। अब दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन बायो फोर्टिफिकेशन करके, ये दो टॉपिक्स अपन देखते हैं, उसके बाद फिर एनिमल ब्रीडिंग स्टार्ट करें, ठीक है। रिपीट करूं ओमकार, क्या रिपीट करूं बेटा, ये एडवांटेजेस रिपीट करूं, चलो देखो क्या हो जाएगा हमारे माइक्रो प्रोपोगेशन के। ओके ओके, मैं रिपीट करवाती हूँ। माइक्रो प्रोपोगेशन यानी क्या था हमारा, माइक्रो प्रोपोगेशन यानी हम क्या करते, एक प्लांट से
एक प्लांट के टिश्यू से हमने क्या बनाया, काइंड ऑफ हमारा क्या था, ये टेक्निक ही है हमारी टिश्यू कल्चर की, है ना। एक से हमने कितने बनाए, 100 बनाए, ठीक है, इमेजिन एक से हमने 100 बनाए। तो दिस इज माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक। ओके, नाउ हमने क्या क्यों किया, ये रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए, क्या इसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारे जो प्लांट्स है वो जल्दी हमें ज्यादा प्लांट्स देंगे, जल्दी बढ़ेंगे, है ना। अगर आपको इसकी, अगर सपोज आपको आपका नर्सरी खोलना है आपको, है ना, तो आपको बहुत सारे प्लांट गेट्स की जरूरत होगी एक साथ, है ना, तो उसके लिए रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स लगते हैं, ठीक है। और ये चीजें कहाँ हो रही है, ये चीजें लैब के अंदर हो रही है, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन कहाँ हो रहा है, लैब के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि हमें बहुत सारे प्लांटलेट बहुत कम टाइम में मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद और क्या होगा कि हम इसके कंट्रोल्ड कंडीशन में, हम इसे देखो क्या हो जाएगा, ये हम किसी भी साल में बना सकते हैं। कुछ पेड़ होते हैं जो सिर्फ बारिश में लगते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ समर्स में लगते हैं, है ना, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये हम कहाँ कर रहे हैं, लैब के अंदर। तो ये जो हम जो हमें जो प्लांट चाहिए है उसको जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए हम वैसी उसे प्रोवाइड करके दे रहे हैं, कहाँ, लैब के अंदर। इसीलिए इसे यहाँ लिखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन्स, यानी कि हमें उसके सीजन्स का कोई लेना देना ही नहीं क्योंकि हम लैब के अंदर वो प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स यानी कि क्लोन्स, क्लोन्स यानी कि क्या हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे का वैसा, जैसे पेरेंट है वैसे ही बच्चे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल चेंज नहीं आएगा किसी भी चीज़ में नहीं, ठीक है। तो ऐसे हमको प्लांट्स मिलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू, ठीक है। तो अब इसका क्या फायदा हो जाएगा कि अगर सपोज हमें एक पर्टिकुलर परफेक्ट प्लांट मिल चुका है कि ये हमारा वीट है, हमें ऐसा ही चाहिए, हमें इसमें और कोई चेंजेस नहीं चाहिए, परफेक्ट है, इसको कोई डिजीज नहीं हो सकता, ये कभी भी ग्रो हो सकता है, ऐसे समझ लो ये प्लांट है, तो आपको इसमें चेंजेस क्यों चाहिए रहेंगे, है ना। क्रॉस अगर आप करवाएंगे तो इसमें चेंजेस आ जाएंगे, जेनेटिक्स में चेंजेस आ जाएंगे, इसके जीन्स में चेंजेस आ जाएंगे, तो हमें ऐसे का वैसा ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइक्रो प्रोपोगेशन करवाएंगे ताकि ये अपने कैरेक्टर्स को लूज ना कर पाए, इसके जो इम्पोर्टेंट और अच्छे कैरेक्टर्स है वो हमेशा बरकरार रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो रेयर होते हैं, है ना, जो कि बहुत एंडेंजर्ड होते हैं, जो मरने वाले, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हो, मरने वाले नहीं एक्सटिंक्ट होने वाले हो, तो हम उनको बचाने के लिए भी हम माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। उनका इज दैट क्लियर नाउ, समझ में आया बेटा, आगे बढ़े। हाँ उनका आगे बढ़े, ओके बेटा। देखो सिंगल सेल प्रोटीन की मैं बताती हूँ, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ, ठीक है। थियोरेटिकली आपके बुक में बहुत दिया हुआ है। सो वॉट हैपन्स कि देखो अभी क्या होता है कि अगर सपोज कर रहे हो आप कि 100 लोग हैं, ठीक है, इसमें से 50 हम वेजिटेरियन हैं और 50 जो है नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है। अब जो वेजिटेरियन लोग हैं, अब क्या हो जाएगा कि हम वेजिटेरियन लोगों के लिए एक हमने इतना फील्ड रखे हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, ये इनकी नीड फुलफिल कर रहा था। बट वेजिटेरियन होने के बाद नॉन वेज जो लोग होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं, तो वो डायरेक्टली थोड़ी, यानी हम पेड़ नहीं खाते हैं ना, तो पेड़ जो पेड़ हम क्या खाते हैं नॉन वेज में, हम जनरली क्या खाते हैं, सपोज गोट खा रहे हैं हम, है ना। तो बेटा ये गोट एक ही थोड़ी खाएंगे हम, बहुत सारी गोट्स लगेंगे हमको, सपोज 50 लोग अगर 100 गोट्स खा रहे हैं, तो ये 100 गोट के लिए हमें कितना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए ना, हम ये गोट को भी तो चारा देंगे, तो इनका खाना ज्यादा लगेगा हमें, है ना। तो ये चीज फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हमारा प्लांट की ब्रीडिंग कर सॉरी हम प्लांट ऐसे बनाते हैं, ऐसे प्रोटीनिशियस खाना बनाते हैं जिसकी वजह से हमारी नीड जो है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। एक छोटा सा ही कंसेप्ट था, नथिंग टू वरी अबाउट, विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि बाय 2050 यानी 2050 की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, कि हमारे दुनिया में हमें कितने लगेंगे, कितना हमें लगेगा, 1,250 मिलियन टन्स ऑफ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स पर ईयर, हमें इतना खाना लगेगा हमारे देश में, है ना, देश बोल रहे पूरे दुनिया में इतना खाना लगेगा बाय 2050, ठीक है। इसे ये जो है टू मीट दिस ग्लोबल डिमांड फॉर एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन एट करंट कंजप्शन लेवल, हमने क्या किया, एक सिंगल सेल प्रोटीन की मदद ली। अब ये सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है, ये बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे खाने की नीड, हमारा जो प्रोटीन की नीड है वो फुलफिल कर पाए, है ना।
तो हम क्या करते हैं, थोड़े से माइक्रोब्स लेते हैं, है ना, माइक्रोब्स लेते हैं। सपोज कर लो अभी हमने लिया एक ये मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस करके हमने एक ये बैक्टीरिया ले लिया, ठीक है। हम उसे क्या करेंगे, चलो ब्रॉड व्यू पे ही देखते हैं, हम इतना डेप्थ में नहीं जाना है हमें, ठीक है। एक शॉर्ट नोट, हाँ, स्टेट वालों को एज अ शॉर्ट नोट ही आ सकता है, नीट वालों को एग्जाम्पल्स याद करने होंगे, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, ये बैक्टीरिया लिए, इसे हमने क्या किया, ऐसा हमने लैब में इसे क्या बनाए, अलग अलग केमिकल से, अलग अलग कंडीशन से इसे ट्रीट किया, ठीक है। ट्रीट करने के बाद हमें पता चला कि हाँ, इनमें से कुछ चीजें जो है जो कि एडिबल हो सकती है ना, यानी ये बैक्टीरियाज है जो हम खा सकते हैं, ठीक है। खा के हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी कर सकते हैं, तो हमने ऐसा देखा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस नाउ, कि सिंगल सेल प्रोटीन इज अ माइक्रोबियल बायोमास, है ना, ये माइक्रोब्स के वजह से हमने क्या बना, बायोमास बना, दैट इज प्रोटीन कंटेनिंग हमारा, जो हम जो खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हमारा खाने की नीड पूरी हो जाए। क्योंकि क्या हो जाएगा, कितना कितना ही आप एग्रीकल्चर बढ़ा लोगे, बढ़ा बढ़ा के कितना ही बढ़ा लोगे, कुछ सालों में क्या होने वाला है कि हम देखो कितना ही हम फार्म कर लेंगे, क्योंकि अभी कितना हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हमारा ये सब चला, इंडस्ट्रीज बनती रहती है, हमारे घर बनते रहते हैं, हमारे हम जंगल उजाड़ते रहते हैं, तो द थिंग इज कि कितना ज्यादा हम कितना ही फूड प्रोडक्शन कर लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, हेल्प लिए माइक्रोब्स की। अब यहाँ आपको आपने देखा होगा कि सिंगल सेल प्रोटीन करके नाम दिया हुआ है, सिंगल सेल, तो दैट डजंट मीन बेटा कि सिंगल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर दोनों ऑर्गेनिजम्स हमें सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या यूज करते हैं, अल्गी, फंजाई, ईस्ट और बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स आई विल कीप इट फॉर यू टू लर्न, ओके। नाउ द थिंग इज कि अब देखो क्या होता है कि चलो एक बताती हूँ फिर से मैं आपको, कि एक गोट है, गोट सॉरी गाय है, पकड़ लेते हैं हम, दैट इज, अब पता नहीं मुझे, सभी हाइपोथेटिकली लो, इतने ग्राम की गाय तो हो नहीं सकती, बट हाइपोथेटिकली लो, ठीक है। सपोज 250 ग्राम्स ऑफ मिल्क, है ना, 250 ग्राम्स ऑफ मिल्क वॉज गिविंग अस 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स। इमेजिन नाउ, 250 ग्राम ऑफ मिल्क वॉज गिविंग अस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, बट देर इज एन एग्जाम्पल दैट इज मिथिलोफाइलस मिथिलोट्रोपस, है ना, ये हमने बनाए थे लैब में, ये हमें क्या, हमारी क्या फुलफिल कर रहा था, प्रोटीन की नीड्स, और कितनी कर रहा था, यही 250 ग्राम का, ये जो मिथिलोफिलस जो हमारा है बैक्टीरिया जो है, ये हमें 25 टन का प्रोटीन दे रहा था, 25 टन का, ये बहुत बड़ा होता है ना, 25 टन बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो जब हमें 250 ग्राम ऑफ मिल्क से अगर हमें 200 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा था, तो क्यों ना हम 250 ग्राम ऑफ ये बैक्टीरिया कंज्यूम करें और इतना सारा प्रोटीन हमें मिल जाए, है ना, द थिंग इज ना, इसीलिए हमने ये सिंगल सेल प्रोटीन वाला कंसेप्ट लाया, ठीक है। अच्छा, लेंगे सी की और क्या दिया हुआ आपके बुक में, ठीक है नेहा, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बताओ मेरे को सारा, तो ठीक, आधा ही घंटा हुआ है आज, है ना। चल अब थोड़ा सा एडवांटेजेस पढ़ते हैं हम, कि हमने सिंगल सेल प्रोटीन के एडवांटेजेस क्या थे। सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि हमने क्या किया, बैक्टीरियाज लिए थे, उसे हमने ट्रीट करे ताकि हम उसे एडिबल बना सके, वो हमें प्रोटीन दिला सके, ठीक है। ये था हमारा सिंगल सेल प्रोटीन वाला कंसेप्ट। अब इसका क्या फायदा हो जाएगा, हम ऐसा बना के हमने क्या ही कर लिए, कि हमने देखा कि देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव हाई रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना। प्लांट हम देखते हैं कि बहुत टाइम लगता है, पहले सीड सीड से ग्रो करेंगे, लीफ बनेंगे, फ्रूट बनेंगे, बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमारे बैक्टीरियाज ऐसे करते हैं क्या, बैक्टीरियाज या फिर हमारे फंजाइज ऐसे नहीं करते, फटाफट ग्रो करते हैं, तो इनकी ग्रोथ रेट ज्यादा होती है, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा बायोमास बनाएंगे शॉर्ट ड्यूरेशन में, है ना, कम टाइम में ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करवा देंगे हमें, ठीक है। नाउ द माइक्रोब्स कैन बी इजीली जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना, हम इसे क्या कर सकते हैं, इसके जीन्स को हम, अब देखो छोटे होते हैं तो इनके जीन्स को हम जल्दी से जल्दी मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसके जीन्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करवाएंगे कम टाइम में, इजीली, ठीक है, इजीली हम कर पाएंगे उसे, हमें ज्यादा तकलीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमें चाहिए, सपोज ये हमारा एक बैक्टीरिया था, हमको इसमें डालना था कि हाँ तुम प्रोटीन बनाओ ताकि हम तुम्हें खा सके, हमने इसके जीन्स में थोड़ा सा वेरिएशन ला लिए, है ना, थ्रू हमारे बायोटेक्नोलॉजी।
सो क्या हो जाएगा, एडवांटेजेस थे हमारे लिए कि हाँ ये हाई रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन है तो कम टाइम में हमें ज्यादा खाना मिल जाएगा, है ना, इसको हम जल्दी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमें जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं हम उसे, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा कि ब्रॉड वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, इसमें क्या होता है वेस्ट मटेरियल एज ए सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से पॉल्यूटेंट्स हमारे जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, यानी पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन द एससीपी सर्व एज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, क्रूड फाइबर्स जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है, ये हमें काफी अच्छा सोर्स है हमारे लिए, सिंगल सेल प्रोटीन जो होते हैं वो काफी अच्छा सोर्स होता है, ठीक। नाउ द टर्म बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है, सब रिलेटेड है, सब एक जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। नाउ बायो फोर्टिफिकेशन इज अ मेथड इन विच क्रॉप आर ब्रीड फॉर हैविंग हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट, यानी कि क्रॉप को हम ब्रीड करवा रहे हैं, है ना। ब्रीडिंग की टेक्निक्स तो हमने देख ली अभी, है ना, ब्रीडिंग की टेक्निक देख ली हमने, कौन सी, हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन हमने देखे है, ठीक है। टिश्यू कल्चर भी देख लेंगे, हम टिश्यू कल्चर से भी हमारे प्लांट्स बना रहे थे, दो तीन टेक्निक्स हमने देख ली है कि कैसे ब्रीडिंग होगा, ठीक है। तो अब क्यों कर रहे हैं ब्रीडिंग, हम क्यों कर रहे हैं, हायर न्यूट्रिएंट वैल्यू के लिए, हायर न्यूट्रिएंट वैल्यू, है ना, हायर न्यूट्रिएंट वैल्यू की, यानी कि सपोज अगर आपके एक राइस में बस 10% अगर न्यूट्रिशन होगा तो हम उसे बढ़ा के 20% कर सकते हैं, है ना। तो हायर न्यूट्रिएंट वैल्यू के लिए अगर हम किसी भी प्लांट को ब्रीड कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। क्या क्या चाहिए रहता है हमें, प्रोटीन कंटेंट चाहिए रहता है, प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा और क्वालिटी ज़्यादा चाहिए रहती है ना, ऑयल की कंटेंट ज़्यादा और क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है, विटामिन की कंटेंट ज्यादा अच्छी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा चाहिए होता है। तो क्या हो जाता है कि ये सारे कंटेंट्स अगर हमारे, देखो सपोज ये प्लांट में से हमें सिर्फ 50% कुछ चीज मिल रही हो, और अगर ये प्लांट को हमने बायो फोर्टिफिकेशन करके, इसे हमने ब्रीडिंग करवा के बायो फोर्टिफाई करवा दिए है, तो इससे हमें 100% हमारी फुलफिलमेंट हो रही है, तो हम हमारे लिए तो यही जरूरी होगा ना, हम तो हमारे फायदे की ही सोचेंगे। सो दैट इज वाई वी डू द बायो फोर्टिफिकेशन, इट इज अ मेथड इन विच क्रॉप्स आर ब्रीड फॉर हैविंग हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड फैट्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स, अच्छा स्टेट में इतने ही एग्जाम्पल्स दिए हुए, बट नीट में थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सो हमने बायो फोर्टिफिकेशन करके हमने क्या बनाया, फोर्टिफाइड मेज बनाए थे, ठीक है, फोर्टिफाइड मेज बनाए थे। मेज आपको पता है ना, मकई का, तो हमने मेज में क्या करे थे कि ऐसा हमने ब्रीड के थ्रू हमने ऐसा कुछ लाए थे कि जिसके वजह से उसमें पहले जितना अमाइनो एसिड थे, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन करके अमाइनो एसिड्स थे, तो वो कैसे हो गए, उसके अमाउंट ट्वाइस हो गए, दुगनी अमाउंट हो गए, ऐसे ना कि 50% ये पहले था तो उसकी अमाउंट कितनी हो जाएंगी, 100% एंड इंटू टू हो जाएंगी, ट्वाइस द अमाउंट हुई थी। तो हमने किस में किए थे, मेज में किए थे, ठीक है। वीट की एक ये थी एटलास 66 करके, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट था एंड आयरन, आयरन हाई हाई प्रोटीन कंटेंट, हाँ इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट था, ठीक है। हमारी वीट जो है, हमारा वीट का एक वैरायटी है दैट इज एटलास 66, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट था, और आयरन को भी, सॉरी हमने राइस के प्लांट को भी फोर्टिफाई किए थे दैट इज उसका आयरन कंटेंट बढ़ाने के लिए, जो कि पहले नॉर्मल अगर 1 था तो हमने इंटू 5 करवाए थे, 5 times बढ़ा दिए थे। तो दिस आर सम एग्जाम्पल्स, अगेन वेजिटेबल क्रॉप्स लाइक कैरेट, स्पिनैच हैव मोर विटामिन ए एंड मिनरल्स, है ना, विटामिन सी इन रिच बिटर ग्राउंड टोमाटो, ये सारी चीजें हमने डेवलप करी थी, किसने डेवलप करी थी, IARI, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, होप सो। क्या हुआ मैम, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ कुणाल, एनी एनी प्रॉब्लम, सब ओके है ना, सबको लाइव दिख रहा है, स्टॉप हुआ था, ओके बेटा,
चलो, सो द थिंग इज कि ये सब कौन बना रहा था, ये हमारे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बन रहे थे, ठीक है। सो द थिंग इज कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस इतना ही है। सो एनिमल हस्बेंडरी स्टार्ट करे कि कल के लिए रखे, बोलो। आज का हेक्टिक हुआ क्या कि ओके ओके था, और आप झेल सकते इतना थोड़ा सा और? रिपीट करूं? चलो ठीक है, रिपीट करवाती हूँ मैं। देखो, बायो फोर्टिफिकेशन में हमने क्या करे थे कि हमने करे थे प्लांट्स को, हमने प्लांट्स को ब्रीड करवाए थे, क्यों? उनके हायर न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। आयुष तो कल ही बोल रहा है, ठीक है। हायर न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने क्या करे थे, उस प्लांट को ब्रीड करवाए थे। तो हमने कितने चीजें बनाई, देखो, फोर्टिफाइड मेज बनाया, ठीक है। फोर्टिफाइड इन द सेंस थ्रू बायो फोर्टिफिकेशन जो हमने ब्रीड लाए थे, दैट इज फोर्टिफाइड। किसमें लाए थे? मेज में। तो उसमें क्या हुआ था बेटा कि उसमें जितना अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड पहले था उसका दुगना हो चुका था, ठीक है। जो हमारे नॉर्मल मेज में, ये हमारा अगर नॉर्मल मेज है, इसमें अगर सपोज एक्स अमाउंट ऑफ हमारा हमें मिल रहा था अमाइनो एसिड्स, तो हमने ऐसा फोर्टिफाइड करके बनाया, यानी ऐसा ब्रीड बनाए कि हमें 2x मिलेगा, है ना, यानी हमें दो ज्यादा, हमें डबल ट्वाइस मिलेगा अमाइनो एसिड। वैसे ही वीट की एक वेराइटी दैट इज एटलास 66, जिसमें क्या है, हाई प्रोटीन कंटेंट, ठीक है। वैसे ही हमारे पास राइस की वेराइटी है, जिसमें क्या है, एक काइंड ऑफ राइस की वेराइटी जिसमें आयरन ही कंटेंट ज्यादा हो गया, दैट इज 5 times मोर आयरन, है ना। पहले जितना था उससे 5 times मोर, पहले अगर एक्स था तो उससे 5x, है ना। तो हमें 5 times मोर हमें इसकी आयरन कंटेंट मिले। उसके बाद वेजिटेबल क्रॉप्स जैसे कि कैरेट और स्पिनच में क्या करें, हमने ऐसे में हमने मॉडिफिकेशन ला के बनाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें विटामिन ए और मिनरल्स हमें मिल सके, है ना। अगर हम एक ही चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, तो हमें देखो ये चीज़ खाने के बाद, अगर यहाँ पे 10 चीज़ खा रहे हैं, हम यहाँ पे 10 चीज़ खा रहे हैं, तो इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें एक चीज़ में मिल रहा है। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। वैसे ही विटामिन सी इनरिच बिटर गॉर्ड, बिटर गॉर्ड यानी हमारे करेला, टोमेटो, है ना, ऐसे डेवलप करे थे। किसने डेवलप करे थे? IARI, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ठीक है। इतना पूरा आपको नाम याद रखना है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। एग्जाम्पल से बेटा थेरोटिकल चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा लेम लग रहा है, बट कोई नहीं है, चैप्टर का खासियत ही वही है, कुछ कुछ कंसेप्ट ही नहीं है इसमें, एक्चुअली कंसेप्ट बहुत कम है, तो रीडिंग एंड लर्निंग पोर्शन बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है ना। एनी साइड इफेक्ट ऑफ दिस? नो, साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, इसलिए थोड़ा सा चल रहा है ये, काफी चल रहा है। साइड इफेक्ट्स अगर होते तो शायद हम उसे मार्केट में नहीं लेकर आते, है ना। साइड इफेक्ट लाइक पेस्टिसाइड्स वगैरह के हो सकते हैं, अगर हम उसे वैसे रेजिस्टेंट बना रहे हैं तो, बट ऐसे नहीं होते, जेनेटिकली नहीं होते, इसलिए ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ठीक है। प्रतीक का क्वेश्चन एकदम ऐसे हटके रहता है, दुनिया से परे, बस चल बाकी का कल देखते हैं, ठीक है। वैसे एनिमल हस्बेंड्री कर सकते थे, हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन चलो हेक्टिक हो जाएगा तुम लोग को, है ना। एनिमल का हम कल स्टार्ट करते हैं, ग्रेट, ठीक है, चलो मिलते हैं कल।